84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थलों के पौराणिक इतिहास व मान्यता की श्रृंखला में आइंडिया ने कल आपको परिक्रमा के चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी की मान्यता और इतिहास की जानकारी दी थी। आज हम आपको पांचवें पड़ाव साक्षी गोपालपुर के इतिहास से रूबरू कराएंगे। इस पड़ाव स्थल पर परिक्रमार्थी मुख्य रूप से साक्षी गोपाल का दर्शन पूजन करते हैं। साक्षी गोपाल मंदिर में माथा टेकने से गोपाल इसके साक्षी हो जाते हैं कि अमुक श्रद्धालु ने 84 कोष की परिक्रमा की है। परिक्रमा मेला समिति सचिव महंत संतोष दास ने आई इंडिया को बताया कि शंख नाम के एक ऋषि ने यहां शंखेश्वर की उपासना की थी, वह मंदिर यहां बना हुआ है। आदि शंकराचार्य जब देव दर्शन के लिए निकले तो यात्रा के दौरान नैमिषारण्य आए और साक्षी गोपालपुर स्थान पर ठहरे। उन्होंने दूसरे शंखेश्वर को अर्घ्य में प्रतिष्ठापित किया। ये दोनों शिवलिंग एक अर्घ्य में आज भी स्थापित हैं। महंत ने बताया कि श्रद्धालु यहाँ दशकंधर, इंद्रदुग्म, सूर्यकुंड, जगन्नाथ, गंगा सागर, कपिल मुनि, सप्तधारा, ढूंढमेश्वर के दर्शन करेंगे। आप सभी लगातार इंडिया से जुड़े रहें। अगली कड़ी में हम परिक्रमा के छठे पड़ाव देवगवा के इतिहास व मान्यता से रूबरू कराएंगे।